शशांक, सबसे पहले तो अपडेट दीजिए कि मौके पर अभी क्या हालात हैं, और क्योंकि ये भी खबर सामने आ रही थी कि इस लीकेज की वजह से जो दूर दूर तक लोग थे उन्हें भी सांस लेने में तकलीफ हुई। अभी मौके पर क्या स्थिति है और जो 7 मजदूर हैं जिनकी हालत गंभीर है उनकी स्थिति क्या है? देखिए, हालात अभी नियंत्रण में है, लेकिन गैस की दुर्गंध इतनी फैल गई है कि यहाँ 1 मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल है। हम उसी डेयरी प्लांट के आगे खड़े हैं जहाँ पे अमोनियम गैस पाइप में लीकेज की घटना हुई है। रात में तेजी से जो है यहाँ पे NDRF और SDRF की टीम पहुंची थी, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, तो स्थिति जो है अभी कंट्रोल में है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या इस इलाके में मेंटेनेंस का काम नहीं होता है? क्या जो मजदूर रहते हैं उनके जान को जोखिम में डालकर उनसे काम कराया जाता है? मैनेजर तो दावा कर रहे हैं कि यहाँ सभी सेफ्टी मेजर्स का पालन होता है, मेंटेनेंस होता है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि आए दिन यहाँ पर जो है इस तरह की घटनाएँ होती हैं। हम आपको जो है उसी डेयरी प्लांट की तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल कुछ सरकारी अधिकारी अंदर आए हैं, गेट को लॉक कर दिया गया है। हम शुरू में अंदर गए थे, लेकिन अभी मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन घटना कैसे हुई, ये पूरा इलाका इंडस्ट्रियल एरिया है, किसी भी फैक्ट्री में ऐसी घटना फिर हो सकती है, तो वो ना हो उसको कैसे ठीक किया जाए, ये कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिन अधिकारियों को जवाब देना चाहिए वो चुपचाप अंदर है, कुछ भी बोलने से जो है वो बसते जो है वो नजर आ रहे हैं। जो यहाँ के मजदूर थे जो अंदर उस समय काम कर रहे थे, नाइट शिफ्ट में रात 10 बजे से रिसाव शुरू हुआ था, उनको आनंद फानंद में एम्बुलेंस से सदर अस्पताल ले जाया गया था। वहाँ पर से उनको एक निजी हॉस्पिटल में रेफर किया गया है, जहाँ पर जिसमें से 2-3 ICU में है और कुछ जो है जनरल वार्ड में इलाज जारी है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि ये पूरा इलाका इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जो आसपास में फैक्ट्रियां हैं उस समय जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, गैस की दुर्गंध के कारण उनको भी जो है दिक्कत होने लगी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उनको आँख से दिखाई नहीं दे रहा था। तो आनंद फानंद में आसपास के जो फैक्ट्रियों के मजदूर हैं उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया था। अभी वो सब मजदूर जो हैं आसपास के फैक्ट्री वाले, वो अभी हॉस्पिटल से लौटे हैं और अपने अपने घर को चले गए हैं। उनसे भी हमने बातचीत की है, वो भी आपको दिखाएंगे कि वो लोग क्या बता रहे थे पूरी घटना के बारे में। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी स्थिति फिलहाल यहाँ पर कंट्रोल में है। जी बिल्कुल। और जो मेंटेनेंस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं शशांक, उसको लेकर अब जो फैक्ट्री के डेयरी प्लांट के जो मैनेजर है उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कहना है उनका? देखिए, मैं सबसे पहले खबर जब अंदर गया तो मैं उनसे भी बात किया, उनका यह कहना है कि हम लोग सभी सेफ्टी मेजर्स का पालन करते हैं, समय समय पे गर्मी है तभी मेंटेनेंस का काम होता है। घटना कैसे हुई ये हमें खुद नहीं समझ में आ रहा, मतलब वो खुद शॉक्ड थे या तो अब जानबूझ के ऐसा वो ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि घटना तो हो गई, या सच बोल रही है तो जाँच में पता चलेगा। उनका कहना है कि हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा हुआ कैसे, यहाँ पर सभी मानकों का पालन जो है किया जाता है। वो बार बार यही बात कर रहे थे, आंकड़ा 7 का दे रहे हैं, और उनका कहना है कि 1 व्यक्ति की जो है वो मौत हुई है। लेकिन जांच की बात कर रहे हैं कि जांच होने के बाद ही हम बता पाएंगे कि घटना हुई कैसे। लेकिन जो गैस पाइप में लीकेज हुआ था उसको भी बाहर निकाल लिया गया है और क्रेन से एक जगह ले जाया गया है, और अब जो स्थिति है वो फिलहाल ठीक यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन फिर बता दूं, दुर्गंध इतनी है गैस की कि खड़ा होना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।